केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में गरीबों के उत्थान के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट पर कहा कि पीएम मोदी ने आम जनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठकर आए हैं। गरीबों को मुख्य धारा में लेकर आना और उनके जीवन आसान बनाने पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, उसी तरह का प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है और आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। चाहे वो शौचालय निर्माण का मामला हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का मामला हो या प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इन कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, तो गरीबों को विकास की मुख्य धारा में लेकर आना, उनके जीवन में खुशहाली लेकर आना और उनके जीवन को आसान और सुलभ बनाना, ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं और जैसी उम्मीद थी कि इस बजट में भी उनके लिए काम होगा, उसी तरह का प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंगाई अन्य देशों से आप तुलना कर देखें, दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है और ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और सशक्त है। भारत सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भारत सरकार महंगाई पर नियंत्रण और काबू करने में सफल रही है। अभी हमने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और अब घर घर तक जाकर उन योजनाओं की चर्चा करना, बातचीत करना और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम लोगों के लिए जो किया है उसकी चर्चा करना और आगे क्या होना चाहिए, और इसलिए पार्टी ने ये तय किया है गांव चलो अभियान। ये मोदी